माउंट सबसे प्योर सबसे हेल्दी। प्लांट को छूने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी। प्लांट को बिना शूज़ के या गीले शूज़ पहनकर ना चलाएं। कभी भी प्लांट को हीट वाटर की सप्लाई ना दें। चलते प्लांट में किसी भी लाइन को हाथ ना लगाएं। चलते प्लांट में कभी भी हाई प्रेशर पंप वाल्व को बंद ना करें। जब भी प्लांट को ऑन या स्टार्ट करेंगे तो फीड वाटर टैंक का वाल्व ओपन करेंगे। कभी भी प्लांट को बिना पानी के ना चलने दें। अपने फीड वाटर टैंक को चेक कर लें कि उसमें पानी है या नहीं। ब्लू माउंट इंडस्ट्रियल आरओ ऑपरेट करने का तरीका। फीड वाटर टैंक के वॉल्व को ओपन करेंगे। अब कंट्रोल पैनल के डोर को पुश लॉक दबाकर खोलें और कंट्रोल पैनल की बेस प्लेट पर लगी एमसीबी को ऑन करेंगे। अब कंट्रोल पैनल के डोर को बंद करें। हम इस रोटरी स्विच की सहायता से अपने कंट्रोल पैनल को एक नंबर ऑटोमेटिक मोड और दो नंबर मैनुअल मोड पर सेट कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल के डोर पर दिए गए येलो कलर के रोटरी स्विच की नोब को दो नंबर पर सेट करें। अब कंट्रोल पैनल के डोर पर नीचे की तरफ लगे रॉ वाटर पंप के ग्रीन बटन को पुश करके ऑन करें। अब प्लांट के डिस्प्ले पैनल पर रिजेक्ट वाटर के फ्लो मीटर में फ्लो आ गया है। अब प्लांट की बैक साइड में जाएंगे, प्लांट का डोर खोलेंगे, फिर वेसल पर लगे मल्टी पॉट वॉल्व के हैंडल को बैकवॉश स्टेज पर लगा देंगे। यह प्रोसेस 30 मिनट्स तक करना है। अब मल्टी पॉट वॉल्व के सेकंड स्टेज फास्ट वॉश पर करेंगे। यह प्रोसेस भी हमें 30 मिनट्स तक करना है। अब मल्टी पॉट वॉल्व के हैंडल को फिल्टर स्टेज पर करेंगे। यह प्रोसेस हमें प्लांट चलाने से पहले रोज़ करना है। इससे हमारे प्लांट की लाइफ अच्छी रहेगी। फिर कंट्रोल पैनल पर लगे हाई प्रेशर पंप के बटन को दबाकर ऑन करेंगे। अब हमारा प्लांट रनिंग कंडीशन में है। आइए अब हम डिस्प्ले पैनल की तरफ देखते हैं, जिसमें चार प्रेशर गेज दिए गए हैं। इनलेट प्रेशर गेज, आफ्टर वेसल प्रेशर गेज, हाई प्रेशर पंप प्रेशर गेज, रिजेक्ट वाटर प्रेशर गेज। रिजेक्ट वाटर प्रेशर गेज की सहायता से हम यह जान सकते हैं कि आरओ मेम्ब्रेन पर कितना केजी प्रेशर है। इसके प्रेशर को डिस्प्ले पैनल पर लगे एफआर वाल्व की सहायता से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर वाल्व को खोलेंगे तो रिजेक्ट वाटर प्रेशर कम हो जाएगा और अगर बंद करेंगे तो बढ़ जाएगा। हमारे डिस्प्ले पैनल पर दो फ्लो मीटर्स दिए गए हैं, प्योर वाटर फ्लो मीटर एंड सेकेंड रिजेक्ट वाटर फ्लो मीटर। डिस्प्ले पैनल पर दी गई डोजिंग टैंक टैप की सहायता से हम डोजिंग टैंक को प्योर वाटर सप्लाई दे सकते हैं। डिस्प्ले पैनल पर दिए डोजिंग पंप को TDS के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं और TDS चेक करने के लिए हम कंट्रोल पैनल पर लगे ऑनलाइन TDS मीटर पर रॉ वाटर TDS और प्योर वाटर TDS देख सकते हैं। सबसे प्योर सबसे हेल्दी।